ताला बना। इधर भी हो जाइए मैडम, मैडम इधर। अरे मोबाइल, अरे भाई क्या ऐसे कर रहे हो? तार तार से अब हम अजय द्विवेदी साहब से अनुरोध करेंगे वो इंद्रजीत जी को विधवत साल दे के अब सम्मानित करें और वो भी विधवत ज्वाइन करावे। अब हम बस दे रहे एक मिनट, अफाक साहब खाली आशीर्वचन दे देंगे, एक मिनट देखे, एक मिनट दिया जाए, एक सेकंड, ये मेरा पार्लियामेंट राइट है, दिया जाए। मैं आफाक अहमद एमएलसी, हमारे बीच एक युवा शक्ति के प्रति, हमारे बीच एक युवा शक्ति आज जनसुराज में दाखिल हुआ, उसका खैर मुकदम मैं करता हूँ, उसका इस्तकबाल करता हूँ। और इकबाल के इस शेर के साथ कि उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कवि ने लिखा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारमा बनता गया। जनसुराज, जनसुराज एक इंकलाब है, एक तहरीक का नाम है। चंपारण की महात्मा गांधी की धरती से मैं बिलोंग करता हूं और वहां से यह इंकलाब शुरू हुआ है और होते हुए आज मधुबनी में पहुंचा है, मधुबनी से दरभंगा जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपका प्रेम, आपका सहयोग ऐसा ही मिलता रहा तो यह एक इंकलाब बनकर इस बिहार के अंदर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। और प्रशांत किशोर की कुर्बानी जो है वह आने वाले दिनों में नौजवान या बूढ़े याद करेंगे कि गांधी के बाद एक महामानव आया था, गांधी के नक्श कदम पर चलकर बिहार को आजाद कराया था। बिहार जो गुलाम था, उस गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उससे वह आजाद कराकर एक नया बिहार के तामीर में अपना खून पसीना बहाया था। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।